देखिए, पहले आप सबको ईद मुबारक। और आज हमने यही चाहा है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर में अब माहौल अच्छा है, ईद जैसा ही हर जगह लग रहा है। और ईद की तैयारियां, ईद तो बस आ गई है। हमने आज यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने मनोज सिन्हा साहब आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि ईद की जो तैयारियां हैं तो उसमें यही रहता है कि ज़ायरीन को कोई तकलीफ़ ना हो, ज़ायरीन को कोई मुश्किल ना हो, हमारी हर श्राइन हर मौसक खूबसूरत बने और वहाँ पे साफ़ सफाई हो, यही हमारा मकसद होता है, ताकि इबादत में कोई खलल ना हो। ईद का मकसद है खुशी, और हम चाहते हैं कि ये खुशी हर एक के हिस्से में आए, अल्लाह करे। इससे भी आगे अच्छा रहेगा, आप लोगों का साथ रहा, लोगों का साथ रहा, और अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाअल्लाह रहमान बहुत कुछ बदलेगा और इससे ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग जो श्राइन्स पे आते हैं, जितने भी श्राइन्स वक्फ बोर्ड के अंडर है, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, अगर कुछ भी उनको लगता है कहीं पे कोई कोताही रही हो? देखिए, कोताहियाँ सारी एक टाइम में ख़त्म नहीं होती है। इंसान ये सोचता है कि मुझे दिन ब दिन तरक्की करनी है, और ये कोई कह नहीं सकता है कि मैंने जो किया वो मुकम्मल हो गया, इसके बाद कुछ नहीं करना है। ऐसा कभी नहीं होता है, हर बारी कुछ नया करने की ज़रूरत है, हर बार कहीं ना कहीं कोताही रहती है, और उस कोताही को दूर करने की हमेशा अशद ज़रूरत रहे। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद आना चाहते हैं, वो खुद हर एक चीज़ को देखना चाहते हैं, वो हेड ऑफ़ द स्टेट है, और हेड ऑफ़ द स्टेट हर जगह जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और उनकी नज़र में भी बहुत सारी चीज़ें आएँ, यहाँ पे भी दरगाह हज़रत बल में भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट से भी हम मदद लें, क्योंकि वक्फ के पास इतना पैसा नहीं है। हज़रत बल श्राइन हमारी बहुत कदीम, यहाँ पे हमारा असासा है, हमारी शान है, हमारा चेहरा है, यहाँ पे भी बहुत पैसों की ज़रूरत है। इसलिए गवर्नमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आएंगे, जो यहाँ खामी होगी हम तो मांगेंगे ना। हाँ, थैंक यू।